टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट जी ने आज कौन नहीं जानता। बेहद सीरियल से फेमस होने वाली जेनिफर विंगेट ने अपनी एक्टिंग अदायगी से लाखों दर्शकों का दिल जीता हुआ है, जहां इन्हें अपने प्यार से भी धोखा मिल चुका है। बता दें इनके हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर जिन्होंने आज बिपाशा बसु संग शादी कर ली है और वर्तमान में ये माता पिता बनने की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। जहाँ बिपाशा की प्रेगनेंसी को लेकर जेनिफर विंगेट ने अपना ऐसा रिएक्शन दिया जिसे सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर क्या दिया है जेनिफर विंगेट ने बिपाशा बसु के प्रेग्नेंट होने पर अपना रिएक्शन, बताएंगे आज की हमारे इस वीडियो के जरिए। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिपाशा बसु ने साल 2016 को अभिनेता करण सिंह ग्रोवर से शादी रचाई थी और अब शादी के 6 साल बाद दोनों माता पिता बनने वाले हैं। आपको बता दें कि बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर बॉलीवुड के मोस्ट लव्ड कपल में से एक हैं। दोनों की मुलाकात साल 2015 में हॉरर फिल्म अलोन के सेट पर हुई थी। अलोन के सेट पर दोनों के दिल ऐसे मिले कि तब से इन्होंने कभी एक दूसरे को अलोन नहीं छोड़ा। दोनों ने कुछ महीने तक एक दूसरे को समझने के बाद जीवन साथी बन गए। वहीं शादी के बाद अब फाइनली दोनों माता पिता बनने जा रहे हैं, जहां इनकी गोद भराई भी हो चुकी है और लोगों ने इन्हें गोद भराइयों पे खूब बधाइयां दी हैं। बता दें कि करण सिंह ग्रोवर की तीसरी पत्नी है बिपाशा बसु। जी हाँ, करण सिंह ग्रोवर ने बिपाशा बसु से शादी करने से पहले श्रद्धा निगम और जेनिफर विंगेट से शादी की थी। बता दें जेनिफर विंगेट के साथ इनका लव मैरिज था, इसके बावजूद इनका रिश्ता सिर्फ 2 साल ही टिक पाया और इन्होंने बिपाशा के लिए जेनिफर विंगेट को धोखा देकर शादी कर ली थी, जिसकी वजह से जेनिफर विंगेट काफी ज्यादा टूट गई थी और इन्हें काफी समय लगा अपने डिप्रेशन से बाहर आने में, जिसकी वजह से अब जब बिपाशा बसु प्रेग्नेंट है और इनकी गोद भराई भी हो चुकी है, तो इनके प्रेगनेंसी और गोद भराई पर जेनिफर विंगेट ने कहा, भले ही आप माँ बन चुकी हो और मुझे खुशी है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी हो और तुम्हें ये खुशी मिली है, लेकिन किसी का घर उजाड़ कर अपनी खुशियों में खुशी रहने से तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। मेरी नजरों में तुम हमेशा के लिए गिर चुकी हो और मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे जेनिफर विंगेट के इस रिएक्शन के बारे में जानकर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।